क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1, ठीक है। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले आपको जो 11th क्लास का था रेडॉक्स रिएक्शंस, उसके बारे में थोड़ी टर्म्स पता होनी चाहिए। लेकिन फिर भी वो टर्म्स अगर आपको पता हैं, और यहाँ पर भी वो टर्म्स वापस से रिपीट होंगी लेकिन शायद बुक में नहीं हो, ठीक है, तो वो टर्म्स एक बार आप रिवाइज कर लेना। तो सबसे पहले टर्म आती है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्विंग केमिस्ट्री, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इस तरीके से होता है कि उसमें क्या होता है, केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। लेकिन हम ऐसे तो लिख नहीं सकते कि भी इलेक्ट्रिसिटी विच इन्वॉल्व्स केमिस्ट्री इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो उसके लिए एक डेफिनेशन आती है, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which involves the conversion of chemical energy to electrical energy or vice versa का मतलब होता है कि या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल दे, या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दे। तो उस केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए बहुत सारी टर्म्स आते हैं, तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शंस आपका पहले भी चैप्टर आ चुका है 11th क्लास में। क्या होते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस, द केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जिन केमिकल रिएक्शंस में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब इसमें इतना तो आप लोगों को बेसिकली पता होगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है, ठीक है। सिंपली अगर नहीं पता है तो आप सिर्फ ये देख लेंगे, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर से आप पता लगा सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर एक वर्ड है जो बहुत बार आता है, 11th क्लास में भी आपने पढ़ा है ऑक्सीडेशन नंबर, कि भाई अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होती है, इफ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज देन इट विल बी ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीडेशन नंबर अगर क्या होती है, डिक्रीज होती है, देन इट इज रिडक्शन, ठीक है। जब ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पढ़ते हैं तो उसके लिए अलग अलग कंडीशन होती हैं कि कब हम पता लगा सकते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए, ठीक है। तो इतना आपको आ गया होगा रेडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। रेडॉक्स रिएक्शन स्टडी करेंगे तभी हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगी, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हम कन्वर्जन करते हैं केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, उसके अंदर एक रेडॉक्स रिएक्शन जरूर होगी, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रखे होंगे, ठीक है। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन किससे पता चलेगा हमें, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगी तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज होगी तो रिडक्शन, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक डिवाइस होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक डिवाइस होती है जिसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन पार्ट करती है।
ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक इस तरीके की डिवाइस होती है जिसके अंदर एक रेडॉक्स रिएक्शन हो रही होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जो रिएक्शन खुद ब खुद होती है, हमें उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं। तो एक ऐसा डिवाइस जिसके अंदर एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन कैरी ऑन रहती है तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो उस रिएक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ये सेल क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देगा। जैसे आपके ये बैटरी वाले होते हैं घरों के अंदर, जो इन्वर्टर की बैटरी होती है उसके अंदर, ये भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही एग्जांपल है। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आते हैं डेनियल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अदर भी नेम हैं, जैसे गैल्वेनिक सेल, ठीक है, डेनियल सेल, वोल्टेक सेल और वोल्टामीटर। एक वोल्टमीटर होता है वो अलग है, वोल्टामीटर अलग होता है। वोल्टामीटर इज आल्सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, उन कंपोनेंट्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं। जैसे इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, हाफ सेल होता है। ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है, कोई भी सेल जो होता है वो दो हाफ सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो अगर आप बुक में देखेंगे एनसीईआरटी के अंदर, तो उसमें सबसे पहले आता है आपका डेनियल सेल। ठीक है, डेनियल सेल में क्या होता है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि भाई डेनियल सेल के लिए सेल इक्वेशन लिखिए। ठीक है, उसके अंदर जो सेल या रेडॉक्स रिएक्शन होती है, उस रेडॉक्स रिएक्शन के लिए आप एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, सेल का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे गैल्वेनिक सेल। ठीक है, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेक सेल, वोल्टामीटर और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये सभी एक ही डिवाइस के नाम हैं। बस आपको ये याद रखना है कि ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, अब इस सेल को समझने के लिए हमें बहुत सारी टर्म्स पढ़नी पड़ेंगी जो आपने 11th क्लास में भी पढ़ी हैं, लेकिन 11th क्लास का मेयरली किसी के याद रहता है, बहुत कम बच्चों के याद रहता है। 12th क्लास ये समझते हैं कि नई क्लास है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 12th क्लास 11th क्लास के बाद ही आती है, तो 11th क्लास का सिलेबस उसके अंदर यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, डेनियल सेल। डेनियल सेल किसका होता है, ZnCu सेल होता है ये, जो इसके अंदर जो Zn होता है वो एनोड होता है और ये Cu जो होता है वो कैथोड होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसके अंदर एक बात याद रखने की क्या है, डेनियल सेल इज एन एग्जांपल ऑफ वोल्टेक सेल और गैल्वेनिक सेल। ये क्या है, वोल्टेक सेल और गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल होते हैं। ठीक है, तो डेनियल सेल का आप पूछ सकते हैं, डेनियल सेल कौन सा सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अलग होता है, डेनियल सेल के अंदर जो एनोड होता है वो जिंक होता है और जो कैथोड होता है वो कॉपर होता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो इसके अंदर क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन्वॉल्व द इंटरचेंज ऑफ साइंस ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, इलेक्ट्रोड के जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। मीन्स
इसके अंदर जो एनोड होगा दैट विल बी नेगेटिव एंड द कैथोड विल बी पॉजिटिव, ये आप याद रखेंगे, दैट विल बी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपसे पूछा जाएगा, इसमें इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है, कौन सा इलेक्ट्रोड नेगेटिव होता है इन डैनियल सेल, ठीक है। तो एनोड इज नेगेटिव, कैथोड इज पॉजिटिव फॉर डैनियल सेल बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, इंटरचेंज ऑफ साइंस ऑफ इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। अब बात आते हैं जो सेल क्या होता है, ओनली सेल, सेल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ सेल्स, दो हाफ सेल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, हम सेल बोलते हैं। तो अब व्हाट इज हाफ सेल, हाफ सेल क्या होता है, हाफ सेल देखिए अभी हम एक डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर, ये क्या है, इसके अंदर एक ये बीकर है, ठीक है। इसके अंदर ये एक एक्वस सॉल्यूशन है किसी भी सॉल्ट का नहीं होता है, एक इसमें जनरल चीज़ें याद रखनी है, आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा है, ये क्या है, एक मेटल रोड है, ठीक है, मेटल रोड है, ठीक है भाई। तो अगर ये मेटल किसकी है, अगर ये कोई मेटल है तो दैट विल बी द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ दिस मेटल, ठीक है। ये हर एक किसी में होता है, अगर जिस मेटल का आपने इलेक्ट्रोड बनाया है उसी मेटल के सॉल्ट का आपको एक्वस सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, इस एक्वस सॉल्यूशन को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा सॉल्ट जिसका एक्वस सॉल्यूशन बन सकता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट एक लिक्विड सॉल्यूशन होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयन, ठीक है। आयन्स प्रेजेंट होने की वजह से वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट हमेशा एक लिक्विड सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर आयन्स होते हैं, उन आयन्स की प्रेजेंस की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड हाफ सेल व्हेन द मेटल इज डिप्ड इन इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट इज इट कॉल्ड हाफ सेल। व्हाट इज इट कॉल्ड, हाफ सेल। क्या होता है भाई, दैट मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड, ठीक है। द टर्मिनल और मेटल रोड और प्लेट विच इज यूज टू सप्लाई द इलेक्ट्रिसिटी टू ए सर्किट, किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए जो हम मेटल रोड या प्लेट लगाते हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। जनरली जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है और जो कैथोड होता है वो नेगेटिव होता है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये उल्टे हो जाते हैं। आपको हमेशा जो स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग ये याद रखना है कि इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो दो होते हैं, दैट इज एनोड, एनोड विल बी पॉजिटिव एंड कैथोड विल बी नेगेटिव, दैट इज जर्नल नोटेशन। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इट विल चेंज, गॉट इट। तो ये आपको याद रखना है, व्हाट इज हाफ सेल, ए मेटल रोड और यू कैन से दैट प्लेट इज डिप्ड इन द सॉल्ट सॉल्यूशन of this metal. This arrangement is called half cell. ठीक है, आई बात समझ में। तो और जो सोल्यूशन हमने यूज किया दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड एंड द मेटल रोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड, ठीक है। जो सोल्यूशन है उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे और जो मेटल रोड है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड, ठीक है।
आई बात समझ में? अब यहां पर एक वर्ड आता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दो तरीके का होता है, एक ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एक होता है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड बिटवीन द मेटल एंड द सॉल्यूशन। जब हम किसी भी मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करते हैं और वहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है मेटल और सॉल्यूशन के बीच में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आई बात समझ में? इलेक्ट्रोड की वजह से दिस मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। इस मेटल की वजह से सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। आई बात समझ में? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड बिटवीन मेटल एंड इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आई बात समझ में? कि भाई आपको आ गया व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आप लिखेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड व्हेन ए मेटल डिप इन इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरीके का होता है, एक ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एक रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है भाई? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जहां पर नाम से ही पता चल रहा है, देखिए ऑक्सीडेशन कब होता है, ऑक्सीडेशन जब होता है जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगी। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, जैसे अगर कोई एलिमेंट है उसके ऊपर कोई चार्ज हो गया, वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाती है। ठीक है, अगर किसी एलिमेंट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब क्या है, उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर जीरो है। मीन्स अपनी मोस्ट स्टेबल फॉर्म में जो एलिमेंट होता है उस फॉर्म में किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होती है। ठीक है, ये आपको ऑक्सीडेशन नंबर के जो कुछ रूल्स थे वो याद रखने पड़ेंगे। तो अगर हम ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, इन दोनों को डिफाइन करेंगे और वहीं तक आज करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जैसे मैंने डैनियल सेल का ही एग्जांपल लेकर हम सारे कराएंगे ये, लेकिन बीच में क्या होता है, सेल आ गया तो उसको डिफाइन कर दिया, फिर हाफ सेल आ गया तो उसको डिफाइन कर दिया, फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें डिफाइन करना पड़ेगा। ये डैनियल सेल के अंडर ही चलेगा। ठीक है, अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो क्लास के बाद बुक से ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है कि अगर किसी मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन क्या करने की होती है, गेन करने की होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करके वो क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। द पोटेंशियल क्रिएट बिकॉज ऑफ द मेटल हैज द टेंडेंसी Tendency to lose the electrons to get oxidized. ठीक है, the potential difference create because of the tendency of electron lose and to get oxidized is called electrode potential. For example, Zn के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है यहाँ, इसने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए अपने, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा दैट विल बी कॉल्ड ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, जो मेटल रोड हमने डिप की थी वो ऑक्सीडाइज हो गई, मेटल से मेटल टू पॉजिटिव आयन में चली गई। मीन्स सपोज करो हमने यहाँ पर जिंक की रोड डिप की है ZnSO4 सॉल्यूशन में, तो क्या हुआ ZnSO4 के जो Zn थी मेटल के अंदर, जो Zn मेटल थी वो ऑक्सीडाइज हो गई Zn2 पॉजिटिव में। ठीक है, अब रिडक्शन में इसका उल्टा होता है। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या होता है, इसमें क्या होता है, मेटल हैज द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन एंड गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये रिड्यूस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम इसी का एग्जांपल लेंगे डैनियल सेल में, तो सी यू हो गया, सी यू टू पॉजिटिव आयन होते हैं, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करके सी यू सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में। तो अब एक में ऑक्सीडेशन हो गया, एक में रिडक्शन हो गया, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। ठीक है, इन दोनों रिएक्शंस को अगर हम कंबाइन कर दें, ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखेंगे। ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होती है, ओवरऑल सेल रिएक्शन इज द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ, यहां पर रिडक्शन हुआ, अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन ऐड करते टाइम आप क्या याद रखेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाने चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 2 हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई और यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो दैट वी कैन इक्वेट द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को बराबर करने की जरूरत पड़ती है। अभी यहाँ पर क्या है, 2 हैं और यहाँ पर भी 2 हैं, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम इनको ऐड कर देंगे। और जब ऐड करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से खत्म हो जाएंगे, क्या बनेगा, ये Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव, इट विल गिव यू Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu, दैट इज ओवरऑल सेल रिएक्शन फॉर डैनियल सेल। ठीक है, आए बात समझ में, तो इतना आपको करना है ये। ठीक है भाई, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, सेल रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तक। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आपको एक तो स्टैंडर्ड सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताएंगे, और उसके बाद का कि भी सेल नोटेशन कैसे होता है, किसी भी मेटल का जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है वो कैसे मेजर करते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, और इसके जो है नोट्स, आपको हर एक टर्म क्लियर होनी चाहिए, हो सकता है इंडिविजुअली टर्म्स को नहीं बोला जाए, लेकिन ये कहीं ना कहीं यूज़ होते हैं क्वेश्चंस के अंदर, तो ये टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो आज सिर्फ इतना ही, ओके बाय।